لقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم और उनके पास सबसे मुअज्जज़ और सबसे अच्छे जो है पैगंबर आए थे हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे तो कहने लगे कि अन अद्दू इलैया इबादल्लाह, तुम्हारे पास जितने भी बंदे हैं जिनको तुम ग़ुलाम बना कर रखे हो बनी इसराइल को, वो सब को सब जो है उन सब बंदे को जो है मेरे हवाले कर दो, यानी जितने भी बनी इसराइल है उनको तुम ग़ुलाम बना कर जो रखे हो उन सब बंदों को मेरे हवाले कर दो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हैं, ये कहने का मतलब। और इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा और अमानतदार पैगंबर हूँ, यानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं अल्लाह की तरफ से एक रसूल अमानतदार, बिल्कुल सच्चा पक्का अमानतदार मैं एक रसूल हूँ। अब आगे कह रहे हैं कि वो अल्लाह तालू अल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के सामने सरकशी मत करो, है अल्लाह के सामने कोई बगावत, अल्लाह के सामने अल्लाह से जो है कोई जंग या अल्लाह की नाफरमानी, ये सब चीज़ों से जो अल्लाह ताला से यानी अल्लाह से सरकशी ना करना है। और इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, मैं तुम्हारे पास खुली हुई निशानी लेकर आया हूँ। तो खुली हुई निशानी क्या थी? यद बैजानी लाठी और जो है बहुत सारे निशानियाँ थी, उसमें सबसे अहम क्या था? लाठी का सांप बन जाना, और ये हाथ यहाँ लगाते थे उसके बाद निकालते थे तो हाथ चमकता था, 8-9 निशानियाँ थी। तो उस निशानियों के साथ कह रहे हैं कि इन्नी आतीकुम बिसुल्तान मुबीन, मैं तुम्हारे पास खुली खुली दलील जो है निशानियाँ मैं लेकर आया हूँ, मैं तुमको दिखला रहा हूँ। अब आगे कह रहे हैं कि वह इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तरजुमून, और मैं पनाह चाहता हूँ मैं अपने परवरदिगार से और तुम्हारे परवरदिगार से कि तुम सब के सब मुझे संसार कर दो। क्या मतलब? कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कौम के जो है फिरौन को और उसके बनी इसराइल के लोगों को दावत देने लगे ईमान की, तो फिरौन की तरफ से ये जवाब आया कि मूसा तुम सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो मैं तुमको कत्ल कर दूँगा, मैं तुमको संसार कर दूँगा। तो ये उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि वह इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, आप उनसे कहें कि मैं अपने परवरदिगार और तुम्हारे जो माबूद है जिसको तुम मानते हो उसकी भी पना चाहता हूँ कि तुम मुझे संसार कर दो, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, यानी तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए कि मैं एक अल्लाह की दावत दे रहा हूँ, मैं लोगों को ईमान की तरफ बुला रहा हूँ, मैं लोगों को ईमान की दावत दे रहा हूँ, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है,
मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूँ और तुम्हारे जो माबूद है उससे भी हम पनाह चाहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकता है, ये कहने का मतलब। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वइल्लम तुमिनुली फातज़िलून, अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो फातज़िलून, तुम मुझे छोड़ दो। क्या मतलब? अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो मुझको, हमको जो है ईमान की दावत करने दो, यानी दावत तबलीग वाला काम करने दो। जैसे होता है ना, कुछ लोग अगर गांव मोहल्ले में अगर ईमान की खसूसी मुलाकात की या दावत तबलीग वाला काम शुरू कर दे तो एक दो लोग होते हैं जो उनको जो खुचारचे रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, काम शुरू कर दिया, कौन होता काम शुरू करने वाले, बहुत सारी बात है। तो फिरौन भी ये कहता था कि तुम इस कौम में लोगों को ईमान की दावत नहीं दो, तो उस पर कह रहे हैं कि वह इल्लम तु मिनूली, अगर तुम ईमान नहीं लाते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है तुम ईमान नहीं लाओ, लेकिन फातज़िलून, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मतलब? कि मुझे ईमान की दावत देने दो, तुम हमको रोको नहीं, तुम ईमान नहीं लाते तो कोई बात नहीं है, ठीक है मत ईमान लाओ, लेकिन तुम मुझको, हमको जो ईमान की दावत दावत तबलीग वाला काम करने दो, ये कहने का मतलब। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है अगर आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन हमको तो जाने दीजिए, हमको तो काम करने दीजिए, आपको अगर ये काम नहीं करना है, आपको अगर नहीं बैठना है तो मत बैठो, लेकिन हमको तो बैठने दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि साथ में चलेगा तो हम भी चलेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, तुम अगर करोगे तो हम तुमको करने नहीं देंगे, ये होते हैं रुकावट। तो वही कह रहे हैं कि तुम अगर ईमान नहीं लाते हो, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम अगर मेरी बातों को नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको ईमान की दावत लोगों को फैलाने दो, लोगों में फैलाने दो, हमको जो है दावत तबलीग वाला काम करने दो, ये कहने का। अब आगे जो है फदअ रब्बहु, तो फौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मूसा अलैहिस्सलाम जो है फौरन अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि फदअ रब्बहु, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, अन्ना हाउला, ये सब के सब जो है कौम मुजरिमून, सब के सब मुजरिम लोग, यानी कि इतनी दावत व तबलीग वाला काम करने के बावजूद भी और इतने सारी निशानियां दिखलाने के बावजूद भी ये फिरौन और फिरौन के लोग जो है ईमान नहीं लाए थे। जब ईमान नहीं लाए तो अल्लाह ताला ने उस ज़माने में ये था कि जितने भी पैगंबर आए हैं सब की दुआएं कबूल होती थी और सब इसके ताल्लुक़ से दुआएं करते थे अपने कौम के ताल्लुक़ से। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी दुआ करने लगे कि फदअ रब्बहु, ए मेरे अल्लाह, अन्ना हाउलाए कौम मुजरिमून, ये सारे के सारे लोग मुजरिम लोग हैं, सब गुनहगार लोग हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि फअसरी बि इबादी, तुम मेरे बंदों को लेकर लैलन, रातों रात निकल जाओ। क्या है कि मेरे जो बंदे हैं बनी इसराइल, उनको तुम साथ में ले लो और रातों रात निकल जाओ। इन्नकुम मुत्तबाउन, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा फिरौन पीछे ज़रूर करेगा। क्या मतलब? कि अगर तुम रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल जाते हो तो ऐसा नहीं है कि फिरौन तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, पीछा करेगा। जैसे होता है ना, घर से कोई अगर निकल जाए, भाग जाए, तो हम ज़रूर कभी ना कभी पीछा करते हैं, मालूम होता है। तो इसी तरह अगर फिरौन को मालूम हो गया और मालूम हो जाएगा कि बनी इसराइल रातों रात निकल गया है, तो फिरौन अपना पीछा जो है, और फिरौन का लश्कर जो तुम्हारे पीछे लगा देंगे, तो फिरौन तुम्हारा पीछा करेंगे। तो पहले ही यहाँ खबर कर दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि फअसरी बि इबादी लैलन, आप अपने मेरे बंदों को रातों रात लेके निकल जाइए, लेकिन इन्नकुम मुत्तबाउन, लेकिन आपके सब जो है पीछा करेंगे फिरौन, उसके कौम, उसके लश्कर लोग। अब आगे कह रहे हैं कि वतरुकिल बहर रहवन, और आप जब उस समुंदर से, जहाँ जैसे रास्ते में जब समुंदर आया था, तो उस समुंदर में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि आप लाठी मारें, तो लाठी मारने के बाद जो रास्ते बनेंगे उस रास्ता से आपको निकल जाना है। निकलने के बाद आपको उनके पीछे नहीं देखना है। क्या मतलब? कि जैसे होता है ना कि अगर उस रास्ते से निकल गए, निकलने के बाद देखा कि पीछे जो है फिरौन का लश्कर है, अब आपको डर है कि अगर ये रास्ता ऐसे ही बना रहेगा तो फिरौन हमारा जो पीछा करेगा, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। वो जो रास्ता बन गया है कि वतरुकिल बहर रहवन,
समुंदर जो रास्ते बने हैं समुंदर में, उसको आपको छोड़ देना है। आप निकल गए, अब आपने आगे निकल जाइए, आपको उसकी फ़िक्र नहीं करना है, ये कहने का मतलब। और इन्नहुम जुंदुम मुग़रकून, और हम उन सब लश्कर को जो है डुबो देंगे। यानी अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं कि आपको, आप जो है इस रास्ते से पार हो जाइए, पार होने के बाद पीछे मत देखिएगा, अरे रास्ता तो बना हुआ, कहीं लश्कर जो पीछे से कहीं आ ना जाए, हम लोग को जो है छू न ले। तो आपको इस टेंशन में नहीं रहना है, आप सीधे यहाँ से निकल जाइए। इन्नहुम जुंदुम मुग़रकून, हम सब उन लश्करों को जो है, हम जो उन तमाम लश्करों को जो है डुबो देंगे। और हुआ भी ऐसा, हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जो उस रास्ते से पार हो गए, बनी इसराइल भी निकल गए, तो पीछे जो लश्कर जो था फिरौन का, वो क्या सोचा कि अरे रास्ता तो बना हुआ, जल्दी से निकल जाते हैं। अब जैसे ही बीच रास्ते में गए, सब के सब डूब गए, तो अल्लाह ने उन लोगों को डुबो दिए। ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह ही कर रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि कम तरकू मिन जन्नतिन व अयून, कितने ही जन्नत यानी बागात व अयून और चश्मे थे जो वो लोग छोड़ के चले गए थे। यानी जितने भी जो डूब गए थे, उनके पास बहुत सारे ये थे ना जन्नत बागात थे, चश्मे थे, तो इन सब का मालिक कौन हुआ? बनी इसराइल हो गया। कौन हो गया? बनी इसराइल, जो निकल गए थे। अब आगे कह रहे हैं कि वह ज़ुरूइन, बहुत सारी खेतियाँ थीं, वह मकामिन करीम, बहुत आलीशान महल जगह भी थे। फिरौन के ताल्लुक़ से हमें बतला रहे थे कि फिरौन के साथ भी ऐसा ही हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा भी कि आप जब रास्ते से पार हो जाएं तो पीछे मुड़ न देखें कि रास्ता बना हुआ, कहीं पीछा ना कर लें। अब आप आगे निकलते जाइए, पीछे हमारा काम उस लश्कर को डुबोना। अल्लाह ने उसको डुबो दिया। बस यकीन रखना होता है, क्या है सारा मामला जो यकीन पर होता है। यकीन अगर सही है और दिल अगर साफ है, नीयत अगर साफ है, तो इंशाल्लाह आपका काम बनता जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।